2024 का लोकसभा चुनाव, मानववादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई, नागपुर में सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि सत्तारूढ़ सरकार का मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। नागपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, जो 140 करोड़ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है। खड़गे ने कहा, ठाकरे कोई नामी गिरामी उम्मीदवार नहीं बल्कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। उन्हें मनुवादी विचारधारा को हराने के लिए चुना गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी या गडकरी के खिलाफ नहीं बल्कि मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। खड़गे ने दावा किया है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की जीत होती है तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा और वे संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए काम किया, लेकिन अब मोदी पूछते हैं कि पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया है। खड़गे ने आरोप लगाया, आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नहीं किया, लेकिन अब वे राम मंदिर और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगने आते हैं। अम्बेडकर ने एक तस्वीर तो छोड़ी है, इन लोगों के अपने कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं रखा। उन्होंने कहा, युवा इन संगठनी का इतिहास नहीं जानते और मोदी इनके झूठ से गुमराह है। खड़गे ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश की बीजेपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 5-6% की दर से बढ़ रही है, जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग शासन के दौरान ये 8-9% थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी विपक्ष को भ्रष्ट करते हैं लेकिन उनकी पार्टी दागी नेताओं को शामिल करती है। भाजपा एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां भ्रष्टों को मोदी शामिल करते हैं। अमित शाह उन्हें धोने के लिए डालते हैं और गडकरी उन्हें क्लीन चिट देते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से संविधान बनने के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।